इस ट्रिप को लेके तेरा अनुभव शेयर कर, तेरे को कैसा लग रहा है यहाँ? ये बन रही है रोटियां, बना रहे हैं। अच्छा, मजा आ रहा है। ट्रैक करके आ चुके हैं अब क्योंकि काफी टाइम हो गया, भूख लग रही है, तो सोचा कुछ खाना बनाया जाए, क्योंकि खाने का मेरा खुद से ही होता है, हमेशा हम खुद से ही बनाते हैं खाना। मतलब होटल वगैरह का नहीं बैठता सिस्टम, क्योंकि एक ट्रेवलर होता है ना, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो हर प्रॉब्लम से सीखता है, और कैंपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। पीछे देख रहे हो, यहाँ गाड़ी को लगा दिया है, और यहाँ पानी का एक स्रोत है, क्योंकि ट्रेवलर हर चीज़ देखता है भाई, खाना कहाँ कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए सब चीज़ें मैनेज करके जब चलनी पड़ती है। सामने वाटरफॉल है, कल भी हमने यहीं बनाया था खाना, इस वाटरफॉल पे यहीं पानी ले लेंगे, यहीं पे लकड़ियाँ इकट्ठा करके और चूल्हा उल्हा बना के और यहीं से खाना बना के फिर आगे निकलेंगे। अभी सर्वाइव करना कितना मुश्किल है जंगल में, अब लकड़ियाँ ढूंढेंगे। मतलब एक ट्रेवलर होता, उसके लिए हर चीज़ एक एडवेंचर होती है, मतलब उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, वो बहुत कुछ सीखता है उन चीज़ों से। अब यहाँ आएँ, अब हम लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, उसके बाद उनके जला के खाना बनाएंगे। बहुत घना जंगल है, बहुत बहुत, देखो जंगली जानवर का डर होता है इधर, सब चीज़ें देखी जाती हैं, इतना आसान नहीं है चीज़ें करना। जंगल है पूरा, और इसमें से लकड़ियाँ कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मतलब हर चीज़ में एडवेंचर है हमारे यहाँ, एक एक चीज़ को कलेक्ट करना, जलाना उनको, फिर उन पे खाना पकाना, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे मिल गई है ढेर सारी लकड़ियाँ, इनको उठा के ले जाऊँगा और इनसे बनाऊँगा खाना, क्योंकि ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, ये तो लकड़ियाँ हैं। देखो कितना घना जंगल है, ये रास्ता है ना जो सारे विलेज जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, पूरा घना जंगल है यार, बहुत बहुत, और मज़ा आ रहा है। पहले के लोग आदिवासी बढ़िया लोग थे, वही खाते थे, पीते थे, कंदराओं में सोते थे, अब तो बहुत कंपटीशन है लाइफ में, बहुत इस तरह कोई बालू आ जाए, लाइफ में हर पल का मजा लो, एवरी मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो फिर तो चलती रहती है जीवन, सबके जीवन में तनाव हो, तुम्हारे में भी होगा। पानी में डूब जा, थोड़ी बात ले लेना पानी के लिए। अभी हमने देखो ये आटा लग रहा है इधर, ठीक है, और उसके बाद इधर पूरी लकड़ियां इकट्ठे कर ली गई है, और ये चूल्हा बना दिया है छोटा, इस पे बनाएंगे हम रोटी, और उधर उधर वाले चूल्हे पे हम भाई साहब सब्जी बनाएंगे। उधर वाले चूल्हे पे कुलदीप बनाएगा सब्जी, ठीक है, तू तैयारी कंप्लीट रखती रही है ना आगे की जर्नी। और दूसरी बात, खास बात ध्यान धरने की, ये है चारों तरफ देखते हो रहो, और जैसे ही कोई बाघ आ जाए, बघेरा आ जाए, बालू आ जाए, तुरंत गाड़ी में घुस जाओ। गाड़ी भी हमने यहाँ खड़ी कर रखी है, तुरंत डिग्गी उग्गी खोल के, और ये देखो पूरा घना जंगल है, और ऐसी जगह बैठ के हम कैंपिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और देखो प्रकृति के बीच में, और सामने एक वाटरफॉल है, उसके पास बैठे हुए हैं। देखो अभी दिखाता हूँ वाटरफॉल, ये सामने वाटरफॉल है, ये पानी आ रहा है, इस पानी को हम खाना बनाने में यूज में लेंगे, और ये जड़ी बूटी वाला पानी है, इसमें ऐसे ही आदमी तंदुरुस्त हो जाएगा, खाने में तो चार चांद लग जाएंगे, बहुत स्वादिष्ट खाना बनने वाला है थोड़ी देर में। ये देखो ये ऊपर से आ रहा है पूरा जड़ी बूटियों वाला है, और इधर बन रही है सब्जी, और देखो ये अदरक कुट रही है गिलास में। दो शब्द बोल, हाउ डू यू फील टुडे, कैसा लग रहा है घने जंगल के बीच में बैठ के आपको? बहुत अच्छा एक्टिविटी। ये कांदा काट लिया है, ये आलू है,
और ये देखो चूल्हा तो जल चुका है पूरी तरीके से, तैयार हो गया। अब इस पे रखेंगे हम, क्या रखेंगे, तवा, ठीक है। और आटा लगे रहा है, ये पानी ले लिया उधर से बढ़िया वाला। अब मैं पूरा सीन दिखाऊंगा। सब लोगों का मैंने काम डिवाइड कर रखा है, सब अपने अपने काम में बिजी है। इसका काम है तवा धोने का और वो आटा लगा रही है और इन्होंने सब्जी काट दी है। और देखो अब मेरा काम क्या है बताओ, मैंने लकड़ियाँ इकट्ठे की थी, ठीक है। और ये तो सबको अलग अलग काम बांट रखा है। इधर ये घना जंगल है पूरा, इधर देखो पूरा एक ही प्लान है, जैसे जानवर आएगा सब छोड़ के भगेगा, गाड़ी में बैठना है, ये बाद में देखेंगे। इधर ये पुल है, ये पुल क्रॉस करके इधर जाना पड़ता है, पर मजा बहुत आ रहा है इधर, सबको मजा आ रहा है। पीछे से वाटरफॉल की इतनी गजब आवाज आ रही है, नेचर थेरेपी मिल रही है इधर ही हमें। ये देखो वाटरफॉल है छोटा अभी, और इसमें खूब कुछ मछली है, यहाँ से हमने पानी लिया है इसमें। बिल्कुल नेचर साउंड आ रहा है इधर, देखा शानदार, यहाँ बैठ के बना रहे खाना आज। कुलदीप कैसा लग रहा है तुझे? प्रकृति के बीच में खाना बना रहे हैं। अच्छा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बैलेंस आ रहे हैं। ये बन रही है रोटियां, ये सिक गई, ये सिक चुकी है रोटियां, बढ़िया सिकी। यहाँ जो अंदर है ना वहाँ बड़ी तो ज्यादा है, इस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है, प्लेट को ही हमने चकला बना लिया। क्या था रोटी खा लो आचार से, अब जलवा दो अंदर से लग रही है हमारे। चम्मच नहीं है उसके अभाव में, अब हम इस्तेमाल करेंगे चाकू का। पहले मेरे को ले लेना, इस ट्रिप को लेके तेरा अनुभव शेयर कर, तेरे को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ का बेस्ट मोमेंट। इस ट्रिप को प्रकृति की गोद में। और भोजन कैसा बना? बहुत अच्छा, एक तो होटल पे काना होटल भी फेल है, जयपुर का काना होटल भी फेल है, जंगल में कैंपिंग कर ली। डर थोड़ी लग रहा है तुझे? बालू बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांत एकदम शांत। दोबारा क्या प्लान है यहाँ आने का? उत्तराखंड एक दो महीने बाद में। चलो ठीक है, खाना बन गया, अब सब लोग खाना खा रहे हैं। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पैसे अच्छा लग रहा है। इस सुनसान और घने जंगल में बैठ के हम खाना खा रहे हैं इस जगह। पैक हो रही है और यहाँ से निकल के पूरा सुनसान जंगल है, काफ़ी देर हो गई यहाँ क्योंकि यहाँ डर लग रहा है।